ओरेगोन जी जन्नत में जा रहे थे। अच्छा, बस वहाँ भगवान अरेस्ट ना होते तो हमारे साथ जी जीवन वहीं व्यतीत हो जाता। जी 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 जी। जब अरेस्ट होने वहाँ हो गए तो उसके बाद हमारी भी चेकिंग शुरू हुई। मैं तो एक बात कहता हूँ स्वामी जी, जी जब ओशो थे सब कुछ ठीक ठाक था, अब ओशो के बाद बहुत चेंजिंग आ गई। जी, उस किताब का निचोड़ एक ही है, सेक्स इज प्रिपरेशन टू गॉड। ठीक है, हमारे देश में क्या है, ट्रूथ इज राइट, ट्रूथ इज बीइंग, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट। ठीक है, गायें थी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा, बहुत दूध देती थी। अच्छा। जोरबादा बार रेस्टोरेंट, जोरबादी बार रेस्टोरेंट होता था, तो वहाँ पे वो बियर बार सब अवेलेबल, बियर भी मिलती थी, विस्की भी मिलती थी। वो अपने मैं तो देख एक दिन छोड़ के चला जाता था। अच्छा, मेरे को अलाउड था वहाँ, मतलब वो सबसे बढ़िया एक मीटिंग प्लेस था दोस्तों का। अच्छा, और मेरी खास मित्र थी। अच्छा, और फिनलैंड की थी वो, फिनलैंड की। जी जी, मेरे पास यहाँ हरियाणा में एक दो बार आई है। अच्छा है। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल। आज मैं आया हूँ स्वामी निर्मल देव भारती जी से, एक मुलाकात है। स्वामी जी ओरेगोन में ओशो के साथ थे और पुणे में इन्होंने ओशो से संन्यास लिया था। तो स्वामी जी अभी अपने गांव में पानीपत हरियाणा के अंदर जो है एक गांव है बांध, अंग्रेजी में बोलो तो डैम, और वैसे बांध, BNDH बांध, BNDH बांध। तो यहाँ अपना एग्रीकल्चर का देखते हैं, तो स्वामी जी से बातचीत करते हैं। तो स्वामी जी जब ओरेगोन गए थे आप, हाँ जी, तो उस टाइम वीजा वगैरह वगैरह वो थोड़ा सा आप बताइए। वो ऐसे था जी, वीजा मैंने, मेरा मित्र था उसको, उसे मेरा वीजा लगवा था। अच्छा, और पैसे मेरे पास थे नहीं। अच्छा। ये पोल्ट्री फार्म का पापा का बचपन से उन्हीं का काम था ये। जी जी। बस एक बार उन्होंने कहने लगे, भाई जसवीर बच्चे मैं नहीं डालता। मेरे फादर का एक मित्र था, उन्होंने कहा जसवीर बेटा तू डाल ले बच्चे। बच्चे यानी कि चूजे। हाँ। मैंने डाल लिया जी, डाल के अच्छे रेट में बिके हूँ, मेरे पास पैसा हो गया, मार्केट का जो देना था मैंने दे दुआ के, और मेरे इतना मेरा ट्रैवलिंग वीजा लग गया था। अच्छा, और ट्रैवलिंग वीजे से हम निकल गए थे। अच्छा, तो वहाँ आप ने तो पुणे में संन्यास लिया था, ओशो ने कुछ पहचाना या फिर कैसे मुलाकात रही आपकी? ओशो ने मेरे को तो वहाँ भी पहचान लिया था। अच्छा, और जब लास्ट में मनाली आए थे जब भी कहा था निर्मल कैसे हो, निर्मल कैसे हो। अच्छा, मनाली स्पेन रिजोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओरेगोन के बारे में आप कुछ बताइए। ओरेगोन जी जन्नत में जा रहे थे। अच्छा, बस वहाँ भगवान अरेस्ट ना होते तो हमारे साथ जी जीवन वहीं व्यतीत हो जाता। जी 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 जी। जब अरेस्ट होने वहाँ हो गए तो उसके बाद हमारी भी चेकिंग शुरू हुई। अच्छा, हम ट्रैवलिंग वीजे पे जा रहे थे। हाँ हाँ, हमें भी फिर वापस होना पड़ा वहाँ से। अच्छा अच्छा, वहाँ से परिवार को तो वहाँ जाने के बाद पता लगा था जसवीर अमरीका जा लिया। अच्छा, जसवीर स्वामी जी का नाम जसवीर था, तो प्रभु ने मेरा नाम विपरीत कर दिया था, निर्मल। निर्मल। हाँ। आश्रम में भी काम करते थे। अच्छा, 18-18 घंटे काम करते थे आश्रम में भी। अच्छा, कैटल्स का भी, आप तो जब इधर से जुड़े हुए थे, कैटल्स का भी काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर में भी कर रहे थे काम। अच्छा, ट्रैक्टर भी चला लेता था वहाँ सारा। अच्छा, क्योंकि ओरेगोन तो एक बहुत लंबा चौड़ा है, 68,000 acres में। अच्छा, आश्रम था जो। क्या बात है, इतना और... गांव की जमीन भी नहीं होती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 68,000 acres तो बहुत हो जाता है।
तो वहाँ पे ये जो है अपना वहाँ की जो वर्किंग स्टाइल था सन्यासियों का कि किस तरह से क्या काम होता था आपका? तो एग्रीकल्चर सिस्टम में तो एग्रीकल्चर और कैटल से था। हाँ ठीक है। गायें थी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा। बहुत दूध देती थी। अच्छा। और एग्रीकल्चर में भी उनका चारा चूरा बोना। जी जी जी। एक बार ऐसे चारा सन्यासी ने जमीन बा दी, कहने के इसमें मक्का बोना है। मक्की? हाँ मक्का। मगर ऐसे नहीं बोया करता, मगर एक भी नहीं जामा तेरा। अच्छा, यानी एक भी पैदा नहीं होगा। हाँ, मैंने उसको उसको पहले मिक्सर दिया, मिक्सर देने के बाद मैंने उसको बोया, इतना गजब का मक्का हुआ भगवान ने खुद देखा। कहेंगे निर्मल के काम निराल नहीं पाते यार। नहीं, बहुत अच्छा काम करती निर्मल जी। अच्छा, ये भगवान श्री ने कहा? हाँ। क्या बात है, गुड गुड। इतनी गुड पैदावार हुई थी। फिर वो मक्का बच भी गया था। अच्छा। मगर जी इसको वेस्टेज नहीं करना, इसका साइलेज बनाएंगे। ठीक है। वो मेरे ख्याल कम से कम 8-9 एकड़ का मक्का बच गया था। उसका फिर साइलेज बनवाया। अच्छा। जब ऑफ सीजन होता है जी जी जी, फिर वो साइलेज ही काम आता वहाँ। अच्छा, साइलेज मतलब हिंदी में क्या? साइलेज मक्के को प्रोसेस करके, प्रोसेस करना। ओके। जो ऑफ सीजन में उसको यूज कर लेते हैं, ऑफ सीजन में यूज कर लेते हैं, उसमें डलता है इसको, उसको काट के उसको जमीन में गाड़ना पड़ता है जिससे उसके अंदर कोई हवा ना जाए। अच्छा। और उसमें नमक डालना पड़ता है। ठीक, उसको साइलेज बोलते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ पे स्वामी जी, जो क्योंकि हमने तो कुछ वीडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उसमें हम देखते हैं जोरबादी बुद्धा रजनीश फोरम, हवाई जहाज खड़े हैं, ये खड़ा वो सारा सिस्टम जो है। हमारे टाइम तो 80 काल रोल्स रॉयस होती थी भगवान के पास। अच्छा। और 2 चार्टर्ड विमान होते थे, उसके बाद क्या हुआ था उसका हमें इतना नॉलेज नहीं था, इतना पता नहीं है। ठीक है ठीक है। और जोरबादी बार रेस्टोरेंट होता था, तो वहाँ पे वो बियर वगैरह सब अवेलेबल, बियर भी मिलती थी, विस्की भी मिलती थी। वो अपने मैं तो देख एक दिन छोड़ के चला जाता था। अच्छा। मेरे को अलाउड था वहाँ, मतलब वो सबसे बढ़िया एक मीटिंग प्लेस था दोस्तों का। हाँ, वो आज भी होता है, मैं खा रही थी नहीं है, बोलते हैं लोग। तो दोस्तों, ये भी थोड़ा सा, बहुत लोग जो है अपना छोटी छोटी चीज़ों के पीछे कि ये शराब पीता है, ये फलाना करता है, तो भगवान की प्रेजेंस में भी स्वामी जी विटनेस हैं कि ठीक है कि ध्यान सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप किसी की गर्दन पे बंदूक, कनपटी पे बंदूक रखते उसको नचवा नहीं सकते। तो थोड़ा समझे संचालक भाई भी, और बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो क्या है कि धूम्रपान जो है वो एक अलग से जगह बनाई जा सकती है। वो तो मैंने पूना में देखा है, वहाँ पे भी बड़े शानदार झूले लगा रखे होते हैं। तो वो लोग भी समझे बात को कि बुराइयाँ, अगर वो बुराई मानते हैं तो, जबकि मुझे नहीं लगता कि एक कंट्रोल्ड अमाउंट में कुछ भी किया जाए तो वो कोई बुराई है। हमारे संस्कार उसको बुराई बना देते हैं तो वो एक अलग बात है। हम सन्यासी बने उसका भी बहुत बड़ी मेरे साथ रीजन था। अच्छा। मेरे पापा ने मेरे से अखबार मंगवाए थे, वो अखबार मैं ले नहीं पाया। हाँ। आते ही मैंने डंडा खाया। अच्छा। डंडा खा के फिर मैं रद्दी की दुकान पर गया। अच्छा। वहाँ से अखबार तलवाए और एक किताब पड़ी थी उसके पास बोरी में, इसमें डायमंड पॉकेट्स बुक्स की किताब थी, इस पर उसके लेवल उतरे पड़े थे। उस अच्छा। किताब का नाम था मैं मिट्टी तो सिखाता हूँ। अच्छा। वो किताब मैंने मैक्सिमम 15 बार पढ़ी, जितनी बार पढ़ता उतनी बार दिमाग घूमता। मायर किताब में दम है। जी जी जी। शुरू से हमारा परिवार आर्य समाजी विचारों का था। जी। आर्य समाज के नियम सभी जानते हैं, उसका कुछ कोई उसका अहमियत नहीं देता। जी जी जी। और इस जितनी इस हमारे देश में जितना अंधविश्वास हमारे देश में शायद किसी हाँ, हमारे देश में कितने संत हुए, आसाराम बापू। हाँ। गासाराम बापू। धन धन सतगुरु। जी जी जी। हाउ टू सेक्सुअल डिजीज। जी। सारे सेक्स के मरीज थे। हाँ। कई बार मेरे से पूछे थे, निर्मल तुम्हारा गुरु ना सेक्स पे है ज्यादा ध्यान देता है। हाँ। मगर सेक्स इज प्रिपरेशन टू, तू बगैर सेक्स पैदा हो रहा है। हाँ। सेक्स अगर नहीं होता तो हम आज अन्न भी नहीं खा सकते। जी। ये सारी सेक्स प्रक्रिया से गुजर के आता है। जी।
जी। अब जो जो समय गुजरता जा रहा है लोगों को ओशो का बारे में पता लगने लग गया। पहले इतना लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन स्वामी जी मैं एक चीज़ और, मुझे ये मैं कई जगह इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि ओशो के 650 बुक्स हैं, 6600 घंटे के बिल्कुल डिस्कोर्सेज हैं। हाँ जी। किसी से पूछो, मेरे मुझे भी एक आर्य सभाजी मेरे मित्र थे तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं कहा तुम्हें एक किताब का नाम याद है संभोग से समाधि तक, और किसी का नाम नहीं है, तो बाकी किसी एक किताब का नाम बताओ। वजह क्या है कि तुम वहाँ अटके हुए और उसमें ओशो वो संभोग की तो कोई बात ही नहीं कर रहे वो तो टाइटल पकड़ा दिया, बस एक टाइटल पकड़ा दिया तो लोग समझें बात। देखो उसको भी समझने में बड़ा समय लगता है जी। उस किताब का निचोड़ एक ही है, सेक्स इज प्रिपरेशन टू गॉड। ठीक है। ठीक है, हमारे देश में क्या है, ट्रुथ इज एग्जाइट, ट्रुथ इज बिंग, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट। जो लोग कहते हैं मैं सत्य बोलता हूँ, मैं उसको झूठा मानता हूँ। विश्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है जी, और अंधविश्वास की तरफ भाग रहे हैं। अंधविश्वास में कुछ नहीं है जी, एक सादगी जीवन, एक तपस्या का जीवन जी जी जी, जी। एक तपस्या भी वही होनी चाहिए ना जो जिससे परमात्मा खुश हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा को चाहते सब हैं और परमात्मा से दूर भी बहुत हैं। बहुत दूर है हर वो काम जो है अपना, जो मतलब सत्य से दूर तो परमात्मा से दूर। हाँ, परमात्मा जो है सो है। एक स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उस जमाने के अंदर तो समाज ने भी विरोध किया होगा जब आप। बहुत विरोध था जी मेरा, पूना गए हो गए। हाँ जी, पूना भी जब हमें दो बार पूना गया, जब पहली बार गया हमें संन्यास नहीं मिला। अच्छा। फिर दूसरी बार गए, इंग्लिश पे बोल रहे थे स्वामी जी, बाइबल पर, बाइबल पर ओशो बोल रहे। हाँ, ओशो बोल रहे थे बाइबल पर, तो उस टाइम भी हम खाली आ गए थे। अच्छा। फिर तीसरी बार संन्यास जब गया, जब वो हिंदी में प्रवचन दे रहे थे इस पे ब्रोनो पे, ब्रोनो ब्रोनो। अच्छा, ब्रोनो कौन है थोड़ा सा बता दीजिए, कई चीजें तो नहीं पता। ओशो तो महासागर है। जब हमारा देश शुरू जो था बुद्धिस्ट था। अच्छा। जब बुद्ध की संपदा लोत्से ने करी थी, जब बुद्ध को इसकी जो पूरे इसकी बुद्ध की ये बुद्ध जो चाइना में गया, ये जी जी, ये लोत्से ले गया था यहाँ से। अच्छा, तो उस पर वो बोल रहे थे। वहाँ बोल रहे थे। अच्छा। तो जब हमें संन्यास दिया, इस 5 और 6 बजे का दरमियान संन्यास मिला था, टाइम ऐसा ही था शाम के समय। हाँ, जब संन्यास मिला तो हमारे आंसू नहीं रुके। वो तो प्रक्रिया सारी जिंदगी नहीं बोल सकते जी जी जी, जिससे संन्यास मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो संन्यास की प्रक्रिया को जानते नहीं, संन्यास क्या होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा संन्यास है। अगर आप स्वामी जी ओशो के साथ जो भी आपका समय निकला, क्योंकि और जो अब जो चल रहा है, आज है 11 अप्रैल 2021, हाँ जी, तो आप जो ओशो फॉलोअर्स हैं, ओशो प्रेमी हैं, ओशो के जो काम करने वाले हैं, जो संचालक हैं, जो आश्रम है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहता हूँ स्वामी जी जी, जब ओशो थे सब कुछ ठीक ठाक था, अब ओशो के बाद बहुत चेंजिंग आ गई जी। ओशो को, ओशो के सन्यासी ही ओशो के विरोध में बात करते हैं जी जी, वो बात गलत है। ओशो से भाई सुरेंद्र थे, ओशो के प्रवचनों को काट छाट के बोलते हैं जी जी जी। वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ओशो की जो नेचुरल प्रक्रिया जो उन्होंने कह के जा रहे हैं उस पे अमल करना चाहिए जी जी। ओशो की ध्यान विद्या भी बड़ी, ध्यान विद्या भी वैज्ञानिक है। ध्यान पे पहले क्या डायनेमिक होता था, नाट बर्म होता था, विश्वना होता था। हाँ। अभी नई नई मेडिसिन नई बना के करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डायनेमिक मेडिसिन करके देख लो ना, पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डायनेमिक मेडिटेशन रामदेव से भी टॉप का है।
नहीं नहीं रामदेव को तो खैर बहुत हो गए ना संत नहीं उल्टे सिर कर लो पितिरछे कर लो ये दवाई खा लो ये खा लो कुछ नहीं राजनीतिक पा जाओ जी जो सो कह गए वो उन्होंने किताब लिखी है उस पर प्रवचन भी दिया है राजनीति के ज्वलंत प्रश्न उस पर करके देखो इन नेताओं की अब तो सब लोग ऐसे लग रहे हैं हाउ टू कैप्चर दिस मनी पैसे को कैसे कमाया जाए पैसा कमाना कोई अच्छी चीज नहीं है सम्मान कमाना सबसे अच्छी चीज है जी 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 पैसा कोई छाती पर धरकर नहीं ले जाते सिकंदर भी ले गया था डाइनीज था आप सम्मान कहते हो मैं कहता हूँ कि प्रेम बहुत बड़ी चीज है पैसा हट जाने जब डाइनीज था अपने रेते में कुत्ते के साथ खेल रहा था नंग वो मैंने कहानी बिल्कुल नंग दड़ंग खेल रहा था आया सिकंदर यार मेरे पास इतना धन दौलत है मैं आज भी दुखी हूँ अरे नंगन धड़की मुझे ले रहा है तो उसके पास गया जी मैं आपको आधारा दे दूंगा इस खुशी का मुझे वो बताओ बिल्कुल मैंने न तेरा दे चाहिए ठीक है जब सिकंदर जब जाएगा ना फिर आगे ही मिलूंगा मैं वहाँ ठीक बात है जब देखूंगा तो कितना कुछ कमा के लाएगा ये कोई अच्छी चीज नहीं है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल समाज में इतने विकार पैदा होते जाने लग रहे हैं कि जो हो रहा है वो तो वैसे सब लोग देख ही रहे हैं और सब गोविंद है जो है सो है लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है तो और कोई अशोक से संबंधित आप कोई विशेष बातचीत जो आपको आपकी यादों में बसी हो जैसे मनाली में मुलाकात हुई तो अशोक तो मनाली इस तरह का अपना उनका एक सुना है कि वो कुछ कमजोर भी हो चुके थे बहुत काफी कमजोर हो गए थे जिस टाइम से बोले पहले वहाँ और एक मतलब बहुत अच्छे तरह बोलते थे जब मनाली आई ना बस काफी टूट चुके थे बहुत वीकनेस हो रहे थे फिजिकल भी और उसे शारीरिक तौर से भी वीक थे हाँ वही शारीरिक रूप से बड़े कमजोर थे ठीक बात है तो दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि जो स्पेन रिजॉर्ट है जहाँ 1985 में अमेरिका से आके ओशो ने निवास किया था और लंबे समय के लिए किया था उसका जो वीडियो है वो भी यूट्यूब पर डाला हुआ उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं हम तो मित्रों से कहते हैं भैया लव इज सीड गॉड इज फ्लावर लव इज सीड गॉड इज फ्लावर गॉड इज फ्लावर यस भगवान यस यस भगवान यस यस उस पे छोड़ दो कुछ नहीं रखा बिल्कुल 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 लाइफ में बड़े संघर्ष आते हैं जी जी नहीं घबराना जी 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 और सो खुद ही कहते हैं अहली गम शौक है इंसान के लिए जो पारखी थे मुस्करा दिए एक बार फिर बताना अहले गम शौक है इंसान के लिए जो पारखी थे और मुस्करा दिए थोड़ा हिंदी रूपांतरण भी कर दो बड़ी गहराई है इसमें भाई जो कष्ट आ जाता है उसको कष्ट को इग्नोर करके एक आनंद रखो अपने शरीर के अंदर जी 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 ये कष्ट आते हैं चले जाते हैं आते हैं चले जाते हैं ये तो एक प्रक्रिया चलती रहती है ठीक बात है तो स्वामी जी आप मुझे ये बताइए कि ओरेगोन के अंदर और कौन कौन से मित्र थे जो उस टाइम प्रेजेंट थे भारतीय मित्रों में भारतीय मित्रों में एक तो देवव्रत थे जी देवव्रत हाँ और फॉरनर बहुत थे वहाँ पर जी जी हर एक कंट्री के फॉरनर थे जी 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 एक मेरे फॉरनर थे उसको माँ दया बोलते थे वहाँ पर अच्छा और मेरी खास मित्र थी अच्छा और फिनलैंड की थी वो फिनलैंड की जी जी मेरे पास यहाँ हरियाणा में एक दो बार आई है अच्छा है। क्या बात है और विनोद खन्ना भी उस टाइम वही थे हाँ विनोद खन्ना आनंद विनोद उनका संन्यास का नाम आनंद आनंद विनोद था जी आनंद विनोद ही बोलते थे जी जी मक्खियाँ दोस्तों हैं ये भी अपना मजा ले रही है हम भी अपने मजे ले रहे हैं ये अपना विनोद खन्ना जी भी थे वहाँ पे और विनोद खन्ना उस टाइम क्या काम देख रहे थे विनोद खन्ना कई काम थे उनके ज़्यादा ऑफिशियल काम भी होते थे अच्छा और भगवान के साथ ज़्यादा निकट में थे वो ज़्यादा निकट में थे ठीक 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 जब दर्शन करते थे हम रोल्स रॉयस कार में आते थे हाँ। दोनों साइड में खड़े हो जाते थे सन्यासी जी जी उनकी बोनट पे फूल रखते थे आप रखते थे सारे रखते थे हाँ। थे क्या बात है गाड़ी खुद ड्राइव करके आते थे हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक
तो दोस्तों ये स्वामी जी से कुछ गुफ्तगू करने में यहाँ पे आया था और स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों से प्रेम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू, ए मॉन्क इन ट्रैवल। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है अब क्योंकि हालात ख़राब हो चुके हैं, आज अप्रैल के अंदर जो है 11 अप्रैल 2021, तो मैं 5-7 दिन के लिए आया था अपना दिल्ली, उसके बाद अब मैं उत्तराखंड में हूँ। और उत्तराखंड अब अगला ये जो पूरा साल है 5-6 महीने में अब पूरा लेह लद्दाख लाहौल स्पीति दुनिया का सबसे ऊंचा गांव, वहाँ मैं पहले भी गया हूँ एक बार, ये सारा का सारा जो है कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल इसकी एक एक स्टोरी और बहुत सारी, मतलब ये नहीं है कि सब ओशो की होंगी, बहुत सारे मतलब क्योंकि ओशो प्रकृति की बात करते हैं और प्रकृति में सब कुछ समावेश है, एक से एक प्राचीन मंदिर हैं, एक से एक जगह है, एक से एक ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, तो ऐसे 21 पॉइंट पर मैंने लिखे हुए हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मॉन्क इन ट्रैवल को आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये कम्प्लीट जो है जो भी मेरी यात्राएं रहेंगी, तो हफ्ते के अंदर 3 स्टोरीज ट्रैवल स्टोरीज उसमें ज़रूर डाली जाएंगी। और बने रहिए ए मॉन्क इन ट्रैवल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर लॉकडाउन लग जाए दोस्तों तो ध्यान एकमात्र उपाय है। घर में पिछले साल का मेरा अनुभव है कि जब तक मैं उत्तराखंड नहीं प्रवेश कर पाया था तो सुबह से लेके मैं और मेरी मैडम मीरा, हम सुबह से लेके शाम तक मेडिटेशन में रहते थे और हमारा जो है ना हमें पता ही नहीं लगा कि कब जो है वो दिन इतने प्यारे जो है अपना निकल गए। तो हर दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर ध्यान को आप मार्ग बना लेंगे तो ये जो समय है ये आप ज़िंदगी के लिए बेहतरीन समय होगा कि सब कुछ कहीं बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर में ध्यान कर सकते हैं। किसी के पास कोई भी ध्यान विधि की जो है म्यूजिक चाहिए हो कुछ भी चाहिए हो तो मैं अपना नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप मेरे से कमेंट्स में लिख के आपके पास वो म्यूजिक पहुँच जाएगा। और कुछ मित्रों के साथ जो संचालक लोग हैं, कुछ 4-5 संचालक हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं, तो व्यक्तिगत बातचीत किसी ध्यान में दिक्कत आ रही है कुछ और है, ऐसे अनुभवी संचालक हैं उनसे भी आप बातचीत कर पाएंगे। तो मैं स्वामी जी से शायद ज़्यादा बोल गया हूँ लेकिन ये फॉलो में थोड़ा ज़रूरी था समय के अनुसार बताना। तो ठीक है दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। मित्रों आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम, इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें, ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद।